सो हाउ इज द एंड ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन और टारगेरियन सिविल वॉर? क्या लगता है मेकर्स किसे जिताएंगे? हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कौन ब्लैक्स के साथ है, कौन ग्रीन्स के साथ है, क्या इससे वाकई में मेकर्स को फर्क पड़ता है या नहीं? चलो बात कर लेते हैं, क्या डिसीजन निकलता है, मेकर्स किसकी सुनेंगे, ग्रीन सपोर्टर की या फिर ब्लैक सपोर्टर की? जहां बुक की भी मदद लगेगी और बाबा इस शो की एंडिंग भी स्पॉइल हो सकती है, तो किसी को रुकना है तो यहां रुक सकता है, चॉइस इज योर। बाकी शुरू से शुरू करते हैं। जब हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 की शुरुआत हुई थी और इसका ट्रेलर आया था, तब मेकर्स ने व्यूअर्स को पहले ही बांट दिया था, पहले ही चॉइस दे दी कि किसकी साइड तुम्हें जाना है और किसकी नहीं। ब्लैक्स के लिए अलग से ट्रेलर निकाला, ग्रीन्स के लिए अलग से ट्रेलर निकाला। उसके बाद हमने पूरे शो में फाइन डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स भी देखी, जहां स्टार्टिंग में ग्रीन्स को जीतता दिखाया और ग्रीन्स के सपोर्टर को खुश होने का मौका भी दिया। लेकिन आफ्टर द एपिसोड 6 ब्लैक्स को पावरफुल बनाने लगे और खुश होने का मौका दिया फिर ब्लैक्स के फैंस को, एंड शो की एंडिंग करी ब्लैक्स को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखा के, जिनके पास पूरे लड़ने लायक 8 ड्रैगन हैं। ग्रीन के पास मात्र 2 ड्रैगन और ये शो ड्रैगन के बेस पर ही है, तो उन्होंने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया कि यू डिसाइड कौन जीतेगा कौन नहीं। मैं अपना बताऊं, मेरे हिसाब से दोनों तरफ से सिनेरियो इक्वल कर दिया है, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन के बेस पर नहीं सोच रहा हूं, ऑल पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी के हिसाब से बराबर कर दिया है मामला। लेकिन ड्रैगन के हिसाब से यस, ब्लैक्स का पलड़ा भारी है बाबा, डेफिनेटली ये उनकी धज्जियां उड़ा देंगे इजिली इतने सारे ड्रैगन के साथ। तो ये तो बातें थी सेकंड सीजन शो के अकॉर्डिंग। अब बुक का भी सहारा लेंगे और स्टोरी प्रेडिक्शन करेंगे, तो बाबा अगर बुक की बात करें तो कोई नहीं जीतेगा, दोनों ही हारेंगे, दोनों ही वो सब कुछ खो देंगे। जब वो पीछे पलट कर देखेंगे और उन्हें सिर्फ तबाही दिखेगी, सिर्फ पछतावा दिखेगा, जो यस मेकर्स तुम्हें फील भी कराएगा, जो तुम्हें ये भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि अपनों के साथ लड़ाई जीत नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ हार देती है, पछतावा देती है और दुख देता है। बुक के हिसाब से काफी कुछ चेंज किया है मेकर्स ने इस बार, क्योंकि आगे जाकर जिस पॉइंट में ब्लैक्स की हार दिखती है वो शायद कनेक्शन ही चेंज कर डाला, जिसके लिए आर आर मार्टिन नाराज थे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में एगोन के बेटे जहीरिस की मौत वाला सीन से, क्योंकि एगोन का तीसरा बेटा मेलोर टारगेरियन, जिसे मेकर ने स्किप कर दिया है, उस सीन पर उसका होना जरूरी था। देन उसके बाद जब वो और उसका बाप एगोन 2 किंग्स लैंडिंग से भागेंगे, उसके कुछ टाइम बाद उनको पकड़ने के चक्कर में छोटे से मेलोर टारगेरियन का कटा हुआ सर रनीरा के पास में आता है, और वहां रनीरा दुनिया की सबसे हारी हुई क्वीन महसूस करती है, जो एक्चुअली दिखाएगा कि इस सिविल वॉर से सिर्फ तबाही हुई है, और ये आयरन थ्रोन जीतकर क्या फायदा जब इस थ्रोन को पाने के लिए मासूम बच्चों की भी जान ली जा रही है। और वहां ब्लैक्स फिर से उखड़ेंगे और एगोन वापस सत्ता लेगा रनीरा को मारकर, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एगोन 2 को भी जहर देकर मार दिया जाएगा। देन इस भयानक केओस का ठंडा करा जाएगा, यानी इस भयानक केओस को ठंडा करा जाएगा एगोन 2 की बेटी जहीरा और रनीरा का बेटा एगोन 3 की शादी करा, यानी मामला इसको सुलझाया जाएगा कॉम्प्रोमाइज से। एट द एंड तो कौन जीता? कोई नहीं जीता, इस वॉर का, इस सिविल वॉर का निपटारा हुआ सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज से। लेकिन बात करें शो और बुक दोनों से हटके अपने सेल्फ मेड प्रिडिक्शन पर कि आखिर एंडिंग क्या हो सकती है एक व्यूअर के हिसाब से, तो बाबा एज लाइक डेमन एंड हेलेना मुझे भी फ्यूचर विजन दिखने लग गया है इस गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स में रात दिन घुसे रहने की वजह से, और शायद मैं 3-eyed रेवन भी बन सकता हूं, क्योंकि जब मैंने गॉड्सवुड पर हाथ रखा तो बाबा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेकर्स रनीरा को बचाना चाहते हैं, जहां वो बायस हो चुका है कि ग्रीन्स को सिर्फ दुश्मन ही दिखाना है एनी हाउ, क्योंकि बुक में रनीरा को सनफायर मारता है या फिर खा जाता है, लेकिन मेकर्स ने सनफायर को पहले ही मार डाला, तो वो आखिर रनीरा को कैसे मारेगा, यानी जिस हथियार से रनीरा को मारा जाता है वो हथियार ही नष्ट कर दिया, और वो रिग्रेटफुल मोमेंट जो रनीरा फील करती है आगे जाकर मेलोर की मौत के बाद, क्वीन थ्रोन ये सारी लालच उसे सिर्फ कलंक लगती है, क्योंकि वो कनेक्शन ही नहीं है अब, एक्चुअल डिमोलिश पॉइंट ऑफ रनीरा, जिसके बाद वो डिप्रेशन में जाती है। इट मींस ये कि मेकर्स ने रनीरा का यानी ब्लैक्स का कुछ तो अलग और नया सोच के रखा है, और शायद मेकर्स गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर हुए, क्योंकि एट द एंड डेनिरिस की मौत, ये वाला एंडिंग बाबा किसी को पसंद नहीं आई थी, किसी को भी नहीं, क्योंकि डेनिरिस ने इतना तामझाम शुरू से लेके ये लड़ी जो सब कुछ आयरन थ्रोन जीतने के लिए जितना भी कुछ किया, और सारे व्यूअर उससे उस थ्रोन पर बैठ के देखना ही चाहते थे, और वहां पहुंच के उसे मार डाला एट द लास्ट पॉइंट। तो शायद मेकर्स फिर से ये टेरिबल हिस्ट्री ना दोहराना चाहें, क्योंकि यहां पर भी रनीरा आयरन थ्रोन के लिए लड़ाई कर रही है, और एट द एंड सभी चाहेंगे कि रनीरा पीसफुली शासन करे और वो मरे ना डेनिरिस की तरह, इतना सब कुछ होने के बाद, यानी इतना सब कुछ खोने के बाद। तो शायद मेकर्स ब्लैक को फेवर कर डालें लास्ट में,
एंड दिस इज ओनली अ प्रिडिक्शन कि ऐसा हो सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकती है एंडिंग बाबा? क्या वाकई में मेकर्स ब्लैक को सपोर्ट करेंगे यानी फेवर करेंगे, या बुक की ही तरह मामला इक्वल इक्वल करके मामला कॉम्प्रोमाइज में निपटारा कर देंगे? यू टेल, अब तुम्हारी बारी। देखें जरा आपके दिमाग में कौन सी खिचड़ी कैसी पक रही है। बाकी ये वीडियो यहाँ तक पहुँच गए हो तो कैसा लगी जरूर बता के जाना नीचे कॉमेंट बॉक्स पर। लगभग भाई सभी को पता लगी चुकी है कि एंडिंग क्या ही हो सकती है, तो शायद मेकर यहाँ पर कुछ नया चेंज कर दें। आपके हिसाब से क्या हो सकता है नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।